हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग चैप्टर नंबर 5 का स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ेंगे। मैंने एक बार ऑलरेडी रिलीज़ किया था, उसमें एसडीएलसी क्या होता है वो सब बताई थी, और उसके साथ साथ जो फर्स्ट फेज है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का वो कवर किए थे हम लोग। एंड अभी इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो का कितना पार्ट बनेगा मुझे नहीं पता, मतलब ज़्यादा लेंदी होने से अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है, तो मे भी मैं इसका 2-3 पार्ट बना सकूँ। पर इसमें जो जो फर्स्ट पार्ट में कवर है उसको छोड़ के सारे इसमें कवर होंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे इसका, क्योंकि इसको अगर हम सिक्वेंस वाइज नहीं पढ़ते तो बहुत दिक्कत होता। बोल के मैंने खाली स्टडी मटेरियल से ही पढ़ा है, एंड लास्ट में हम पीएम कवर कर लेंगे, मतलब ओवरव्यू कर लेंगे। एंड आई होप गाइस आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। हमको 25 डेज का एक्सटेंशन भी मिला है इस अटेम्प्ट में, तो अच्छे से इसका यूज़ करें। ऐसा नहीं कि आप अभी अपनी पढ़ाई को कम कर दें क्योंकि एक्स्ट्रा 25 डेज़ मिले। ऐसे एज्यूम करें कि आपका एग्ज़ाम 2 मई को ही है और वैसे ही पढ़ें, वैसा हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि टाइम वेस्ट ना करें। ऐसे सोचें कि 25 डेज़ को अपने बेनिफिट में कैसे यूज़ करेंगे। जो लाइक 50-50% था कि निकलेगा नहीं निकलेगा, उसको इस 25 डे में ऐसे प्रिपरेशन कर लें कि आपका 100% हो जाए, ठीक है। तो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर नंबर 5, एक्विजिशन बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइन। तो बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइन क्या होता है? इट मीन्स स्ट्रक्चरिंग या रिस्ट्रक्चरिंग द टास्क फंक्शनैलिटीज एंड एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रोवाइजिंग अ बिजनेस सिस्टम। एक बिजनेस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, बिजनेस सिस्टम को स्ट्रक्चर करने के लिए हम एक बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं। उससे क्या होता है, हम स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं टास्क को, ताकि एक अच्छा बिजनेस सिस्टम हो, फंक्शनैलिटीज देख सकते हैं, एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइन इज अ क्रिटिकल स्टेप टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। ये एक स्टेप है जिससे कि हम हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब समझ सकते हैं। इट नीड्स अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी फ्रॉम टीम ऑफ डेवलपर्स ड्यूरिंग द सेम। जो हमारा जो टीम बना रही है इस बिजनेस प्रोसेस को, तो उनके लिए लाइक ये बहुत ईजी टास्क नहीं है, उसके लिए बहुत सारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी चाहिए। और ये बहुत सारे सीक्वेंसेस में होता है, ऐसे नहीं कि एक बार में हो जाए, बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं, उसके थ्रू बिजनेस प्रोसेस डिजाइन होता है। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन फॉर्म नहीं है एग्जाम में, ठीक है। फिर है प्रेजेंट प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। तो जो भी हमारा इसमें क्या है, इसमें बोला जो भी हमारा प्रेजेंट बिजनेस प्रोसेस है, हमको उसको एनालाइज़ करना है और उसको हमको डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। तो कि इसमें हम एनालाइज़ क्या करेंगे, जो मतलब शॉर्टकमिंग्स है हमारे, जो दिक्कत है इस प्रेजेंट प्रोसेस से, जो जिसकी वजह से हमको एक नया सिस्टम चाहिए, एक नया प्रपोज प्रोसेस चाहिए। तो ऑब्वियसली कुछ डीमेरिट है सिस्टम का, तो वही हमको जो शॉर्टकमिंग ऑफ द प्रेजेंट प्रोसेस जो है, उसको हमको एनालाइज करना है और डॉक्यूमेंट करना है। एंड द ओवरऑल बिजनेस इसमें दिस स्टेप इंक्लूड्स द फॉलोइंग, कि हमको सबसे पहले बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है एंड उसकी ऑब्जेक्टिव को फॉर विच इट एग्जिस्ट, फिर हमको डॉक्यूमेंट करना है एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को, और उसके बाद हमको एनालाइज करना है, ठीक है। वेल डिफाइंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ द प्रेजेंट प्रोसेस हमको एनालाइज करना है, डॉक्यूमेंट करना है। फिर है प्रपोज प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। तो इट इज़ डिजाइन टू दिस स्टेप इज टू डिजाइन द न्यू प्रोसेस रिक्वायरमेंट फॉर द सिस्टम। अब हमको हमारा प्रेजेंट प्रोसेस हम बहुत दिक्कत दे रहे हैं, हमको नया बनाना है। तो प्रपोज प्रोसेस में सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट्स देखना है कि नए प्रोसेस, हमको ये देखना है कि हमारे नए प्रोसेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है सिस्टम के। द डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन द न्यू सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड द चेंजेस प्रपोज। तो जो हम डिज़ाइन करेंगे, जब नया प्रोसेस हम बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, तो उसमें हमको दो चीज़ देखना है कि जो हमारे पुराने सिस्टम में क्या नहीं था और हमको इस सिस्टम में क्या चाहिए, मतलब हमारे जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसके साथ अगर हमको कुछ चेंजेस करना है वो। द एक्टिविटीज इंक्लूड द फॉलोइंग। तो प्रपोज प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, अगेन इसमें हमको अंडरस्टैंड करना है बिजनेस प्रोसेस, ताकि हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएँ। फिर हमको डिज़ाइन करना है एंड फिर हमको डॉक्यूमेंट करना है न्यू प्रोसेस को। तो क्या था ऊपर, ये दोनों सेम है कि हमको अंडरस्टैंड करना है बिजनेस प्रोसेस को, ताकि हम उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएं। उसके बाद हमको इसमें हमको डिज़ाइन नहीं करना था ऑब्वियसली, क्योंकि ऑलरेडी डिज़ाइन था हमारा प्रेजेंट प्रोसेस सिस्टम, इसलिए इसको हमको खाली डॉक्यूमेंट करके हमको एनालाइज करना था। पर इसमें हमको डिज़ाइन करना है और डिज़ाइन करके हमको डॉक्यूमेंट करना है नए प्रोसेस को, ठीक है। अब हमने ये प्रपोज प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन बना लिया, हमने डिज़ाइन कर लिया, हमने डॉक्यूमेंट कर लिया, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोसेस, और दिस स्टेप इज़ टू इम्प्लीमेंट लार्जली द न्यू एज वेल एज मॉडिफाइड प्रोसेस ऑफ द एंटिटी। दिस स्टेप इज़ टू इम्प्लीमेंट लार्ज इज द न्यू, इसमें जो हम जो हमारा न्यू एज वेल एज जो मॉडिफाइड प्रोसेस है, हमने या तो पूरा नया बनाया है, पुराने प्रपोज सिस्टम को पूरा
पूरे पुराने सिस्टम को स्क्रैप करके हमने नया बनाया है या फिर कुछ मॉडिफाई किया, बस कुछ चेंजेस को ही लाया है। तो जो भी हमारा न्यू एज वेल एज जो मॉडिफाइड प्रोसेस है उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। दिस क्रिटिकल एक्टिविटी में इंक्लूड द फॉलोइंग, इसमें हमको क्या करना है, हमको वैलिडेटिंग द न्यू प्रोसेस, इम्प्लीमेंटिंग द न्यू प्रोसेस और टेस्ट करना है। पहले हमको वैलिडेटिंग करना है कि हमको अप्रूवल लेना है सबसे कि हाँ ये सही है कि नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। इट हैज़ बीन मेंशन द सिस्टम डेवलपमेंट एफर्ट इज ट्रिगर इन टू बेसिक सिचुएशन, फर्स्ट ड्यू टू स्ट्रेस एंड सेकेंड ड्यू टू अपॉर्चुनिटी। तो जो हमको सिस्टम डेवलपमेंट करना है, हम ये कब रियलाइज़ करेंगे, अब हम इसके दो ट्रिगर बेसिक सिचुएशंस होते हैं। अगर हमारे हमारे जो पहला एग्जिस्टिंग प्रपोज सिस्टम है वो हमको स्ट्रेस दे रहा है, राइट, अगर वो हमको बहुत प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा है, तो हमको एक नया सिस्टम डेवलपमेंट एफर्ट्स हम लेंगे और नया सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के थ्रू हम एक सिस्टम बनाएंगे। सेकेंड, अगर हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, हमको हमको ये लग रहा है कि अगर हम कुछ हमारे सिस्टम को और अच्छा एडवांस बनाएंगे तो हमारे और एक हमारे बिजनेस के लिए वो और अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खुलेगी, तो वो ट्रिगर करता है। तो दो चीज़ ट्रिगर करता है, स्ट्रेस ट्रिगर करता है और अपॉर्चुनिटी ट्रिगर करता है, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस डिजाइन इज लार्जली बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सिस्टम, दैट इज वेदर इट इज टिपिकली इंटीग्रेटेड, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। हमको ये भी देखना है कि जो वो डिज़ाइन लार्जली किस पे है, कि हमारा जो नेचर ऑफ सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है कि ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है, कैसा है आइडिया ऑफ बिजनेस प्रोसेस, कैसा है नेचर ऑफ सिस्टम, कैसा है। तो ईच नेचर ऑफ सिस्टम नीड अ स्पेशल डिजाइन कंसिडरेशन विच में बी अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग केस डिस्क्रिप्शन। तो इसमें बहुत सारे केसेस दिए, मतलब बहुत सारे तो नहीं, तीन केसेस दिए हैं, गेस हाँ तीन केसेस दिए हैं, वो भी हमको देखना है। तो जैसे केस वन में क्या हुआ है, मैनुअल बैलेंस सिस्टम, मैंने बिलिंग सिस्टम, मैंने जो बताया कि बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइन किसमें बेस्ड होता है, टिपिकली वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि ऑटोमेटिक सिस्टम है कि मैनुअल सिस्टम है, उसी का तीन केसेस है, एक मैनुअल बिलिंग सिस्टम है, एक ऑटोमेटिक बिलिंग सिस्टम है और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो मैनुअल बिलिंग में जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी छोटे छोटे शॉप में जाते हो, कोई किराना दुकान में जाते हो, आप कोई आइटम परचेस करते हो एंड आप उसे प्राइस पूछते हो, तो कोई कोई क्या करते हैं, जो शॉपकीपर्स रहते हैं वो अपना लिस्ट निकालते हैं और देखते हैं कि ये प्राइस कितने का है, कितने का है, एंड देन वो प्राइस आपको बताते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ डेट मतलब अगर कुछ कोई बड़ा डिपार्टमेंट है स्टोर्स हैं जिसमें मैनुअल बिलिंग सिस्टम है और उसमें वो कुछ ऑफर डाल रहे हैं, तो वो ये भी देखते हैं कि इस प्रोडक्ट में कोई डिस्काउंट अवेलेबल है कि नहीं, और उस हिसाब से फिर उन लोग कस्टमर को बिल बनाते हैं। तो सबसे पहले वो प्राइस लिस्ट चेक, सबसे पहले क्या करते हैं उन लोग, जो बिलिंग क्लर्क है जो बिल बनाता है, वो सबसे पहले प्राइस लिस्ट और प्रोडक्ट देखता है और उसके बाद वो कस्टमर को बिल देता है। उसके साथ वो क्या देखता है, डेट ऑफ बिलिंग चेक फॉर मतलब उस दिन क्या है डिस्काउंट्स है कस्टमर्स को, ये सब देखता है। तो अगर ये हमारा सिचुएशन है हमारे ऑफिस में, तो हम क्या इसमें हमारा मेन फोकस, हमारे सिस्टम का मेन फोकस क्या रहना चाहिए, कि जो अप्रूव प्राइस लिस्ट है वो बिलिंग क्लर्क के पास होगा होना चाहिए। अगर वो सपोज ओनर के पास है, आप तुमको बिल बना रहे हो, तुम पहले जाके ओनर से मांगोगे प्राइस लिस्ट, बहुत टाइम कंजम्पशन है। तो हमारा अगर हमको इफेक्टिव सिस्टम चाहिए, तो हम क्या चाहेंगे कि जो अप्रूव प्राइस लिस्ट है वो हमारे बिलिंग क्लर्क के पास हो, एंड हाउ इट शेल बी एनश्योर दैट द बिलिंग हैज़ डन ऑन एप्लीकेबल रेट्स ओनली। उसके बाद हम ये कैसे देखेंगे कि जो बिलिंग कर रहे हैं वो एप्लीकेबल रेट ओनली क्या है। ऐसे तो नहीं है कि अगर वो बिलिंग क्लर्क का कोई जान पहचान का है, तो वो बिना ओनर को बताए कुछ डिस्काउंट दे दिया या फिर किसी से ओवरली चार्ज कर लिया। तो हम कैसे जानेंगे कि जो बिलिंग क्लर्क ने एप्लीकेबल रेट्स में ही बिल बनाए हैं, एंड हाउ द अप्रूवल इज अकॉर्डिंग टू प्राइस लिस्ट, ये सब हम देखेंगे, ठीक है, मैनुअल बिलिंग सिस्टम में। उसके बाद अच्छा और है क्या, वेदर द प्राइस लिस्ट अपडेटिंग प्रोसेस इज प्री डिफाइंड और नीड बेस्ड। तो जो प्राइस लिस्ट अपडेट, जो हम कैसे जो प्राइस लिस्ट हमको अपडेट होना पड़ेगा, हर टाइम हमको प्राइस लिस्ट अपडेट करने पड़ेगा, तो प्री डिफाइनली अपडेट हो जाता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन आता है इसलिए हमको करना पड़ता है, कि हाउ एक्सेप्शन टू लिस्टेड प्राइस सेल बी डॉक्यूमेंटेड, हाउ द एक्सेप्शन सेल बी सबमिटेड टू मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब हमको देखना पड़ता है, ये सब हमको बिजनेस प्रोसेस देखना पड़ता है अगर मैनुअल बिलिंग सिस्टम है। और अगर वहीं ऑटोमेटिक बिलिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आप बिग बाजार वगैरह एकदम बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या होते हैं, वो अपने कंप्यूटर में वो प्रोडक्ट डालते हैं, उसके साथ ही वहीं उस कंप्यूटर में ही ऑटोमेटिकली प्राइस पिकअप हो जाता है, ठीक है। द सिस्टम ऑटोमेटिकली पिकअप द प्राइस, इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन द डेटाबेस, डेटाबेस में ऑलरेडी प्राइस रहता है, आप बस प्राइस आप उस गुड्स का नाम डालो तो प्राइस ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेते हैं। इसलिए कोई बिलिंग क्लर्क को कोई लिस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अगर उनको कुछ चेक करना रहता है कि डिस्काउंट है क्या उस स्पेसिफिक आइटम में, तो वो भी उनको थ्रू सिस्टम ही पता चल जाता है। तो उस केसेस में हमको क्या, हमारा बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइन किसको एड्रेस करना चाहिए, कि जो अप्रूव प्राइस लिस्ट है वो सिस्टम में होना चाहिए। उसमें हमारा सिस्टम, हम उस टाइम बिल कौन बनाता था, बिलिंग क्लर्क बनाता था, अब
इस ऑटोमेटेड बिलिंग सिस्टम में बिलिंग क्लर्क को रिप्लेस कर लिया है सिस्टम ने, तो हमको देखना है कि जो अप्रूव प्राइस लिस्ट है वो सिस्टम के पास है कि नहीं, एंड हाउ इट शेल बी एंश्योर दैट कि प्राइस लिस्ट सिस्टम कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ऐसा तो नहीं है कि प्राइस लिस्ट जो है उसको जो इंसान जो ये सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है वो मॉडिफाई कर ले रहा है कि, एंड हाउ द अप्रूवल इज अकॉर्डेड टू प्राइस लिस्ट, ठीक है। तो ये सब है, देख लेना। तो हमको मतलब एक एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं कि कैसे हमारा बिजनेस प्रोसेस, कैसे हमारा बिजनेस प्रोसेस जो है, हमारा जो जैसे कैसे हमारा बिजनेस मतलब, ये हमको बस वो बता रहे हैं, एग्जांपल बता रहे हैं कि कैसे हमारे बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइन लार्जली डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सिस्टम में। अगर टिपिकल, अगर ऑटोमेटिक है तो वो अलग तरीका का बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइन होगा, अगर मैनुअल है तो अलग, इंटीग्रेटेड है तो अलग, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इस एक्चुअली सब बहुत रेयर चांसेस एग्जाम आने के, और एग्जाम एकदम पास है तो मैं इतने डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर सिस्टम डेवलपमेंट, इन बिजनेस सिस्टम डेवलपमेंट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन बिजनेस सिचुएशन विद द इंटेंट ऑफ, तो सिस्टम डेवलपमेंट क्या है, हम बिजनेस सिचुएशन को एग्जामिन करेंगे ताकि हमको बेटर प्रोसीजर और मेथड्स जो हमारे हैं उसको हम इंप्रूव कर पाएँ, ठीक है। इसके टू मेजर कंपोनेंट्स है, दैट इज सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिज़ाइन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस में क्या, हमको एनालाइज करना है, तो हमको गैदर करना है इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को, उसको इंटरप्रेट करना है, प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना है, और वही इंफॉर्मेशन को यूज करके हमको डिजाइन करना है, ठीक है। एंड डिजाइनिंग क्या है, प्लानिंग और स्ट्रक्चर न्यू बिजनेस सिस्टम और टू रिप्लेस, मतलब हमको नया बिजनेस सिस्टम लाना है या फिर हमको कंपिटेंट या एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिप्लेस करना है, ठीक है। बट यही है, फिर ये एग्जाम्पल है, अगेन ये सब कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाओ सीधा अचीविंग सिस्टम डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, तो अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट इज एसेंशियल बट मेनी टाइम्स सच ऑब्जेक्टिव आर नॉट अचीव एज डिजायर्ड। तो एनालिसिस ऑन व्हाई ऑर्गेनाइजेशन फेल टू अचीव दिस सिस्टम डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव रिवील्स बॉटलनेक सम द मोस्ट नोटेबल वन ऑफ द डिस्क्राइब, क्यों इसमें क्या बोल रहे हैं कि क्यों हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन्स बताया है कि फर्स्ट है यूज़र रिलेटेड इशू, जो जो हमारे सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं उसका कोई कोई इशू है। सेकेंड है कि डेवलपर के तरफ से कुछ गलती हो रही है। थर्ड है कि मैनेजमेंट की तरफ से कुछ गलती हो रही है। फोर्थ है कि तीनों की गलती नहीं है बट हमारी टेक्नोलॉजी इतना नया है कि हम उसको जान नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो यूज़र रिलेटेड इश्यूज़ में क्या है कि इट रिफर्स टू दोज इश्यूज वेयर यूजर कस्टमर इज रिकॉर्ड एज अ प्राइमरी एजेंट, सम ऑफ द एक्सपर्ट विद रिगार्ड टू द प्रॉब्लम आर मेंशन एज फॉलोज। शिफ्ट इन यूजर नीड्स, तो यूज़र रिक्वायरमेंट फॉर आईटी आर कंस्टेंटली चेंजिंग, एज दिस चेंजेस एक्सलेट देर विल बी मोर रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मोर डेवलप प्रोजेक्ट्स। व्हेन दिस चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस द डेवलपमेंट टीम फेसेस द चैलेंज ऑफ डेवलपिंग सिस्टम हुज वेरी पर्पज माइट चेंज सिंस द डेवलपमेंट प्रोसेस बिगिन। सपोज जो यूज़र है इस सिस्टम का, अब सपोज आपने एक थर्ड पार्टी को बोल दिया, आउटसोर्स कर दिया कि मैं हमारे लिए एक कस्टमाइज सिस्टम बनाओ, ठीक है। तो आपने पहले एक कुछ अपने डिमांड्स रख लिए थे तो वो उसको फॉलो कर रहा था, बट जैसे उसने सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट कर गया, आपका जो नीड्स था वो थोड़ा शिफ्ट हो गया है बिकॉज ऑफ योर चेंज इन एनवायरनमेंट या वॉट एवर मे बी द केस, आपके जो नीड्स हैं वो चेंज हो गए हैं। तो इससे क्या होता है, इससे थोड़ा छेड़छाड़ हो गया हमारे सिस्टम में, हमारे डॉक्यूमेंटेशन में, इसलिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो कभी कभी फेल टू अचीव हो जाता है, क्योंकि जो यूज़र नीड्स हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रहती है, मतलब कभी एक्सेलेट कर सकते हैं या फिर वो कभी कभी चाहते हैं कि ज़्यादा रिक्वेस्ट, मतलब वो और डिटेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम चाहते हैं और ये डेवलपमेंट चाहते हैं, ठीक है। तो जब ये चेंजेस ऑकर होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस, पहले से आप बता दो तो चलेगा, बट जब हमने डेवलपमेंट प्रोसेस कर रहे हैं अगर उसमें चेंज होती है तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करना में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। फिर है रेजिस्टेंस टू चेंज, पीपल हैव ए नेचुरल टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिग्नल चेंजेस ऑफन रेडिकल इन द वर्क प्लेस। व्हेन पर्सनल परसीव्स दैट द प्रोजेक्ट विल रिजल्ट इन पर्सनल कटबैक, थ्रेट एंड पर्सनल विल डिग इन द हिल्स एंड द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज डूम्ड टू फेलियर। तो रेजिस्टेंस टू चेंज, अगर किसी को चेंज पसंद नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, नो वन वॉन्ट्स टू गेट समथिंग चेंज्ड, तो अगर एम्प्लॉयज को ऐसा लग रहा है कि उनका जो काम है वो थोड़ा थ्रेटन हो जा रहा है या उनके जो काम है वो थोड़ा कट डाउन हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली काम कट डाउन होगा तो सैलरी में भी कट डाउन हो सकता है, या ऐसा कुछ उनको अपने सिक्योरिटी, उनका जो जॉब सिक्योरिटी है उसमें उनको खतरे में लग रहा है, तो दे विल रेजिस्ट कि नहीं हमको ये चेंजेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो दे मे रेजिस्ट टू चेंजेस, जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिविटी अचीव करना सपना रह सकता है, ठीक है। फिर थर्ड है लैक ऑफ यूज़र पार्टिसिपेशन, यूज़र मस्ट पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट एफर्ट्स टू डिफाइन द रिक्वायरमेंट, फील ओनरशिप ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस एंड वर्क टू रिजॉल्व डेवलपमेंट प्रॉब्लम। यूज़र पार्टिसिपेशन आल्सो हेल्प टू रिड्यूस यूज़र रेजिस्टेंस टू चेंज। फिर अगर
अगर वही अगर आप सिस्टम डेवलप कर रहे हो उसमें आप अपने पर्सनल्स को बोलें कि तुम अपने आइडियाज़ दो, तुम सजेशन दो कि तुम बताओ तुमको यूज़ करना है, तुम कैसे चाहते हो क्या हो। अगर इसमें आप अगर यूज़र की पार्टिसिपेशन मांगेंगे तो दे विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच एक्सेक्टेड, देन उनको सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, इससे लोग और पार्टिसिपेट करेंगे तो इससे वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके मन मुताबिक सब हो रहा है, ठीक है। तो इससे तो यही है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़र्स पार्टिसिपेट बहुत लैक करता है जिससे कि हमारी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाती है। एंड द लास्ट इज इनएडिक्वेट टेस्टिंग एंड यूज़र ट्रेनिंग। जो न्यू सिस्टम हम कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले हमने टेस्ट नहीं किया है या फिर हमने यूज़र को करेक्टली ट्रेन नहीं किया कि हाउ टू ऑपरेट दैट। उसने ऐसा कुछ जैसे बिना कुछ जाने ऑपरेट कर दिया जिससे कि हमारा सिस्टम अगेन फेल हो गया, तो यूज़र के वजह से हमारे ऑब्जेक्टिव में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। कैसे, अगर उसके यूज़र नीड्स चेंज हो जाएंगे, अगर वो रजिस्टर करेंगे चेंज के लिए, या फिर अगर उनका लैक ऑफ पार्टिसिपेशन रहेगा, या फिर उनके पास यूज़र ट्रेनिंग नहीं रहेगी, या फिर इनएडिक्वेट ऑफ टेस्टिंग होगा, हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो ये सब हमारे दिक्कत आ सकते हैं। फिर डेवलपर रिलेटेड इश्यूज़ की जो बना रहा है उस वो उसमें उन लोग में क्या क्या उनसे क्या क्या गलती हो सकती है जैसे कि हमारी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पा रही है। फर्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सिस्टम डेवलपमेंट मेथोलॉजीज। तो सम ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट फॉर्मलाइज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सिस्टम डेवलपमेंट मेथोलॉजीज, दे बाय मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू कंसिस्टेंटली कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन टाइम ऑन विद बजट। तो कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो फॉर्मल वे में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिस्टम डेवलपमेंट मेथोलॉजीज यूज़ नहीं करते हैं। जो उनका जो डेवलप सिस्टम को डेवलप करने का जो मेथड्स हैं, जो स्टेप्स हैं, जो सिक्वेंसेस हैं, वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, मैनेजमेंट फेलियर हो सकता है, जिससे की वजह से जो हमारा प्रोजेक्ट है वो टाइम में नहीं बन सकता है, टाइम में नहीं बन पाता है, या फिर हमारे बजट से ओवर बजट हो जाता है। तो ये इससे क्या होता है, जो ऑब्वियसली जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारी जो अचीवमेंट्स, वो अचीव नहीं कर पाते हम, ठीक है। या फिर ओवरवर्क या अंडर ट्रेंड डेवलपमेंट स्टाफ है कि कहीं हमारे सिस्टम डेवलपर जो है वो लैक सफिशिएंट एजुकेशनल बैकग्राउंड कि अंडर ट्रेंड है, मतलब उनके पास उतना एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, उनका आर्ट ऑफ स्किल्स नहीं है कि वो एक इतना वेल परफॉर्म सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बना सकें। या फिर फर्दर मोर मेनी कंपनीज डू अ लिटिल ऑफ लिटिल टू हेल्प देयर डेवलपमेंट पर्सनल स्टे टेक्निकली साउंड एंड मोर सो अ ट्रेनिंग प्लान एंड ट्रेनिंग बजट डू नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद बहुत कम ही कंपनी अपने पर्सनल्स के लिए कुछ ऐसा करती कि उनको नए नए नॉलेज से अपडेट करवाती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं रेडी होती कि वो खर्चा बॉर्न करें उनको ट्रेनिंग करने के लिए, उनको बजट मतलब और अच्छे से नए टेक्नोलॉजिकल साउंड करवाएं। सबसे ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बोलती है कि तुम खुद सीखो, तो वही लैक ऑफ इनिशिएशन रहता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही, तो इसलिए वो अंडर ट्रेन डेवलपमेंट स्टाफ हो या ओवरवर्क्ड। और अगर कोई कोई रहते हैं, कोई कोई सब एजुकेशनल बैकग्राउंड जिनका अच्छा रहता है, जिनका टेक्निकल साउंड होता है, बट वो बहुत कम नंबर में रहते हैं, तो वो मे बी ओवरवर्क्ड, एंड ओवरवर्क रहने से किसी काम कोई भी काम एफिशिएंटली होता नहीं है, ठीक है। तो डेवलपर रिलेटेड इशू में लैक ऑफ स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सिस्टम डेवलपमेंट मेथोलॉजीज आ गया, एंड अगेन ओवरवर्क या अंडर ट्रेन डेवलपमेंट स्टाफ आ गया, ठीक है। फिर है मैनेजमेंट रिलेटेड इशू, मैनेजमेंट की वजह से क्या हो सकता है, तो लैक ऑफ सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट। तो जो सीनियर मैनेजमेंट है वो ज़्यादा हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो इनिशिएट नहीं कर रहा है कि कैसे हमारे सिस्टम और कितना अच्छे से अच्छा कर सकें। डेवलपर एंड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वॉच सीनियर मैनेजमेंट टू डिटरमाइन विच सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर इंपॉर्टेंट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली बाय शिफ्टिंग देयर एफर्ट्स अवे फ्रॉम एनी प्रोजेक्ट विच इज नॉट रिसीविंग मैनेजमेंट अटेंशन। इन एडिशन मैनेजमेंट कैन सी दैट एडिक्वेट रिसोर्सेज एज वेल एज बजटरी कंट्रोल ओवर यूज ऑफ दोस आर डेडिकेटेड टू प्रोजेक्ट। मतलब इन ओवरऑल सीनियर मैनेजमेंट इतना इनिशिएशन नहीं ले रहा है, वो यूज़र को या फिर वो जो डेवलपर्स को उनको क्लियरली डिफाइन नहीं कर रहा है कि कौन सा फिलहाल हमारे लिए सबसे कौन सा प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले कौन मतलब प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है कि पहले आप इसमें फोकस करो फिर आप उसमें फोकस कर सकते हैं। या फिर वो मतलब एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, या फिर वो बजटरी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो बजट तरफ देख ही नहीं रहा है, वो उसने बस बोल दिया है, तो मतलब वो इनिशिएशन नहीं ले रहा है, ठीक है। तो उससे हमारा ऑब्जेक्टिव फेल हो सकता है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक सिस्टम, बिकॉज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इज अनस्ट्रक्चर्ड, द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव फॉर सच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन। वो हमारे स्ट्रेटेजिक सिस्टम के हमारे सिस्टम को कैसा स्ट्रेटेजिक है उसमें डिफाइन नहीं कर पा रहा है, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, मोर इम्पॉर्टेंटली वो सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ अनस्ट्रक्चर रहता है बट स्टिल वो डिफिकल्ट टू डिफाइन होता है, तो इससे हमारा
लॉस हो सकता है। फिर फोर्थ है न्यू टेक्नोलॉजी, अगर व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू क्रिएट अ कम्पिटेटिव एडवांटेज बाय अप्लाइंग एडवांस टेक्नोलॉजी, इट जनरली फाइंड्स दैट अटेनिंग सिस्टम डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज पर्सनल्स आर नॉट एज फेमिलियर विद द टेक्नोलॉजी। तो ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी क्या करता है, कम्पिटेटिव एडवांटेजेस पाने के लिए वो एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी ले तो आता है, बट जो पर्सनल्स हैं वो इतने एडवांस लेवल नहीं रहते हैं, उनके पास उतना टेक्नोलॉजिकल साउंड एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं रहता है कि वो उस एडवांस टेक्नोलॉजी को ईजिली यूज़ कर पाएँ, इससे कि अगेन हमारा ऑब्जेक्टिव फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एफर्मेंशन इशूड है, क्या 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 जो एफर्मेंशन इशूज़ है, अगर यूज़र रिलेटेड इशू में क्या क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज है, शिफ्ट इन यूज़र नीड्स है, शिफ्ट इन यूज़र नीड्स है, फिर क्या है, लैक ऑफ यूज़र पार्टिसिपेशन है, फिर इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है, और डेवलपमेंट रिलेटेड इशू में क्या है कि उन्होंने सिस्टम डेवलपमेंट मेथोलॉजीज फॉलो नहीं किया, या फिर वो अंडर ट्रेंड है, या फिर ओवरवर्कड है, इसने मैनेजमेंट में मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, या स्ट्रेटेजिक सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा है, या फिर नए टेक्नोलॉजीज है, ये सबको ओवरकम करने के लिए एक वेल डिफाइंड वेल प्लान डेवलपमेंट प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सिस्टम डेवलपमेंट टीम में, तो ये एक डेवलपमेंट टीम होता है जो कि हमारे प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ कंप्यूटर प्रोफेशनल एंड की यूज़र्स, तो इसमें खाली जो बनाते हैं वो नहीं है, की यूज़र्स भी इसमें आते हैं, इन लोग साथ में मिलकर एनालाइज करके डिटरमाइन करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे सिस्टम डिज़ाइन करेंगे एंड कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और कौन कौन असिस्ट करेगा, सब इन लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम डिज़ाइन टेक अ लीड रोल ड्यूरिंग द डिज़ाइनर, सिस्टम डिज़ाइनर टेक अ लीड रोल ड्यूरिंग द डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन स्टेज, तो जो डिज़ाइनर हैं जो सिस्टम डिज़ाइन करते हैं वो उनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है, वो डिज़ाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इन एंड यूजर डेवलपमेंट सिस्टम द एंड यूजर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टम, जनरली द एंड यूजर सीक गाइडेंस फ्रॉम इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल वाइल डेवलपिंग द सिस्टम। तो ये ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकाउंटेंट इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपमेंट वर्क, तो जब हम एक सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें अकाउंटेंट का क्या रोल है, तो अकाउंटेंट का ही द बेस्ट रोल है, क्योंकि ये एक हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो ये एक टाइप ऑफ हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, तो हमको देखना है कि हमको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि जितना कॉस्ट हम इंकर कर रहे हैं क्या उस सिस्टम से हमको उतना बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन में लिखना है कि जो अकाउंटेंट्स रहते हैं वो हाईली क्वालिफाइड रहते हैं, और वो फ्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत कम लोग ही ऑर्गेनाइजेशन में है जो कि आईटी का नॉलेज, फिर बिजनेस का नॉलेज, फिर इंटरनल कंट्रोल का नॉलेज, अकाउंटिंग का नॉलेज एक साथ मिलके कुछ डिसीजन ले सकते हैं, तो अकाउंटेंट आर अमॉन्ग देम, दे कैन कंबाइन नॉलेज ऑफ आईटी बिजनेस अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल एज वेल एज बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन टू एंश्योर दैट द न्यू सिस्टम मीट द नीड ऑफ द यूज़र एंड पोजेस एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल, तो जो इंटरनल कंट्रोल चाहिए और जो उन यूज़र्स की एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल करेंगे, कैसे उन लोग आईटी की नॉलेज प्लस मतलब आईटी कैसे बनना चाहिए, बिजनेस में क्या रिक्वायरमेंट है, अकाउंटिंग बजट वगैरह देख के, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरनल कंट्रोल देख के, और उसके साथ साथ कैसे लोग कैसे जो उसके यूज़र्स हैं कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वो सबका बिहेवियर देख के ये एक यूज़र नीड बना के एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, दे हैव स्पेशलाइज्ड स्किल्स सच एज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दैट कैन बी अप्लाई टू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल एन अकाउंटेंट माइट परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ अ प्रपोज सिस्टम कॉस्ट एंड बेनिफिट, जिसे मैंने कहा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का। ठीक है, उसके बाद एन अकाउंटेंट कैन हेल्प इन वेरियस रिलेटेड एस्पेक्ट ड्यूरिंग सिस्टम डेवलपमेंट, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए रेफर एज आर ओ आई, दैट इज द मोस्ट कॉमन टर्म इन SFM चैप्टर, हमको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है, इसका मतलब क्या है कि एंटिटी कितना अर्न करेगा ऑन अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका उस इन्वेस्टमेंट का कितना रिटर्न उसको मिल रहेगा। द फाइनेंशियल डाटा इज प्राइम कंसिडरेशन फॉर एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर एंटिटी डिसाइडेड टू इनकर, अगर हमको कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, हमको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले हमको जो देखना है वो है फाइनेंशियल डेटा, कि फाइनेंशियल डेटा हमारा क्या बोल रहा है, हमको कितना पैसा इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा, हमको एक बार के लिए कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर वो पर एनम कितना इनफ्लो होगा, तो सबसे पहले हमको फाइनेंशियल डेटा एक प्राइम कंसिड्रेशन है अगर हम कुछ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर या कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेटा रिक्वायर्ड फॉर दिस एनालिसिस बिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो हमको क्या इस ROI निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, हमारा जो बेनिफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे इस फॉर पर एनम पर मंथ हमको कितना
एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, वो प्रोजेक्ट हमको कितना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। द एनालिसिस आइडियली नीड टू बी डन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एफर्ट फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजमेंट। तो आइडियली हमको जब डेवलपमेंट प्रोसेस से पहले हमको स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हमको पता चले कि हम अच्छे से डिसीजन ले पाए कि क्या हाँ कि हमको इसको डेवलपमेंट को बनाना है, हमको इस प्रोजेक्ट को बनाना है कि नहीं। डेवलपमेंट के बीच में करेंगे तो जो जितना डेवलप हो गया वो हमारे लिए वेस्टेज हो जाएगा, अगर ये हमारा ROI अगर हमारा पॉजिटिव नहीं है तो। ठीक है, इसका ROI निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। तो कॉस्ट में अगेन कितने तीन टाइप के कॉस्ट हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इंटेंजिबल कॉस्ट। तो डेवलपमेंट कॉस्ट में तो हमको वो सिस्टम डेवलप करने में हमारे को कितना कॉस्ट हो रहा है, मतलब जो हम डेवलपर्स अपॉइंट किए हैं, जो हम जी कोई ऑर्गेनाइजेशन को थर्ड पार्टी हमने किसी को आउटसोर्स कर दिया कि प्लीज़ हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर बना दो, तो उन लोग क्या सैलरी ले रहे हैं, उन लोग क्या फीस ले रहे हैं, क्या रॉयल्टी ले रहे हैं। तो मतलब जनरली सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस में जो कॉस्ट लगता है, दैट इज़ लाइक फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ डेवलपर्स, तो वो डेवलपमेंट कॉस्ट आएगा। फिर है ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब एक जो हम सिस्टम बना रहे हैं उसमें कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो इसमें हमको हमारा सॉफ्टवेयर कितना लग रहा है। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम रेंट कर रहे हैं तो कितना चार्जेस हो रहा है, हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर हम कंप्यूटर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के यूज़ हो रहे हैं तो डेप्रिसिएशन चार्जेस। फिर जो हम जिसको मतलब हम जो एक हमेशा एक ऑपरेटर रहता है, जो कि कुछ भी दिक्कत आता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की सारी दिक्कत एक बार सॉल्व करता है, उससे सॉल्व नहीं होता तो अगर हम उनके पास जाते हैं जो हमारे डेवलपर्स हैं। ठीक है, तो पर जो ऑपरेटर है, जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है, उसका क्या सैलरीज हैं। फिर अदर डेटा प्रोसेसिंग पर्सनल्स जो हैं, जो कि ये सब कंप्यूटर रिलेटेड स्टफ्स करते हैं, तो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ जाएंगे कि ये न्यू सिस्टम को कौन ऑपरेट करेगा। तो हमको क्या क्या देखना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रेंटल देखना है, डेप्रिसिएशन चार्जेस देखना है, सैलरी ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर्स देखना है, अदर डेटा प्रोसेसिंग पर्सनल्स देखना है कि कौन न्यू सिस्टम को ऑपरेट करेगा। ठीक है, उसके बाद है इंटेंजिबल कॉस्ट। इंटेंजिबल कॉस्ट मतलब वो इजीली मेजरेबल नहीं है, ऑब्वियसली एज अ नेम सजेस्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक स्कूल है तो वहाँ पे कुछ कुछ बन रहा है, लाइक यू नो टाइल्स लग रहा है, तो जो साउंड्स क्रिएट होते हैं, जो डिस्टर्बेंस होते हैं, कभी कभी हमको स्कूल एक दो दिन के लिए बंद करवाना पड़ता है क्योंकि काफ़ी कंस्ट्रक्शन काम कर चलते हैं, तो इससे जो डिस्टर्ब होते एक्टिविटीज़ में, तो ये जो कॉस्ट है इसमें जो कॉस्ट इंकर होता है पर हमको उसका रेवेन्यू नहीं मिल पाता है, तो ये इजीली मेजरेबल नहीं है। तो वही बोल रहे हैं, अगर कुछ हमारा कंस्ट्रक्शन काम है, ऑब्वियसली हमको कंप्यूटर सारे कंप्यूटर्स में चेक करने की वो सिस्टम होगा कि नहीं, तो हमको सारे कंप्यूटर को देखना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयज़ लोग उस कंप्यूटर में हम काम नहीं कर पाएंगे। इससे कुछ कुछ यू नो एक्टिविटीज बहुत डिस्टर्ब, उनका जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ है उसमें डिस्टर्बेंस कॉज हो रहा है, जिससे कि हमारा एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी कम लॉस हो रहा है, तो वो है इंटेंजिबल कॉस्ट। ठीक है, तो हमको कॉस्ट में क्या क्या देखना है, डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इंटेंजिबल कॉस्ट। उसके बाद है बेनिफिट, हमको बेनिफिट देखना है, द बेनिफिट रिजल्ट फ्रॉम डेवलपिंग अ न्यू और इम्प्रूव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो दैट कैन बी सबडिवाइडेड इनटू टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बेनिफिट्स। तो अगेन हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है, हमने जब नया इन्फॉर्मेशन सिस्टम या पूरा नया या रेक्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम जब हम लाए, उससे हम हमारा क्या बेनिफिट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, क्या टेंजिबल बेनिफिट्स एंड क्या इंटेंजिबल, मतलब क्या बेनिफिट्स जो हमको डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं। इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं कि हमको कंपिटेटिव एजेस मिल सकता है, ठीक है, एडवांटेज हमको कंपिटेटिव मिल गया हमारे कंपिटिटर से, हम क्योंकि हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, तो हमको और हम हमारा कट थ्रोट कंपटीशन नहीं रहा, हम काफ़ी अच्छे से सब हमारा जो अब जो काम हमको दो दिन लगता था बिकॉज हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा अपग्रेड करा दिया, अब हमको एक दिन लग गया। तो ये सब जो इंटेंजिबल बेनिफिट्स है, टेंजिबल बेनिफिट्स मतलब हमको सीधा डायरेक्टली हमारे रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये सब है। ठीक है, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन एनालिसिस ऑल्सो डन टू सी हाउ द सिस्टम डेवलपमेंट एफर्ट हैज़ बेनिफिटेड एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इंप्लीमेंट कर लिया, हमने अपनी बेनिफिट देख लिया, उसके बाद हम ये भी देखेंगे, हम पोस्ट इंप्लीमेंट करने के बाद भी हम एक एनालिसिस करेंगे कि कितना मतलब जो हमने डेवलपमेंट एफर्ट्स लिए उससे हमको कितना बेनिफिट मिल रहा है। वही एग्जाम्पल दिया कि एक लार्ज ऑयल कंपनी ने एक ERP सिस्टम बनाया टोटल कॉस्ट ऑफ ₹100 करोड़ का, और फिर उसने जब उसका बेनिफिट कैलकुलेट किया था तो किया तो उसको पर एनम 40 करोड़ का मिला, तो दैट मीन्स उसको 40% का ROI वो मिला। ठीक है, और उसके साथ साथ उसको ये भी मिला कि इसको इसके साथ साथ हमको ये भी पता चला कि पेबैक पीरियड अराउंड 2.5 ईयर, पेबैक पीरियड मतलब जो 100 करोड़ का हमारा जो कॉस्ट है वो कितने साल में रिपे हो जाएगा, तो 2 ईयर्स में हमारा 40 करोड़ करके हमारा कॉस्ट 2.5 साल बाद वो जो हमारा सिस्टम है वो फ्री का हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पेबैक पीरियड भी पता चल गया, ROI भी पता चल गया, क्या क्या क्योंकि हमने पोस्ट इंप्लीमेंटेशन एनालिसिस किया। ठीक है,
तो ये किस ये क्या था कि हमको आरओआई देखना है सबसे पहले। तो आरओआई में सबसे हमको आरओआई में क्या क्या देखना है, कॉस्ट देखना है एंड बेनिफिट देखना है, हमने ऐसे देखा ठीक है। उसके बाद है कि कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ आईटी इंप्लीमेंटेशन एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आरओआई देखने के बाद हम आईटी इंप्लीमेंटेशन का उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा क्या कॉस्ट लग रहा है उसको कंप्यूट करना है, और फिर हमको उस हिसाब से कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस लेना है। तो फॉर एनालिसिस ऑफ आरओआई अकाउंटेंट नीड द कॉस्ट एंड रिटर्न ऑफ फॉर द सिस्टम डेवलपमेंट एफर्ट्स। तो उसको उनको जो आरओआई कैलकुलेट करने के लिए उनको कॉस्ट एंड रिटर्न फॉर द सिस्टम डेवलपमेंट का कॉस्ट देखना है, उसके बाद रिटर्न देखना है ठीक है। मतलब हमको प्रॉपर डेटा लेना है हम और प्रॉपर अकाउंटिंग करना है उसके साथ साथ, उसके बाद हमको प्रॉपर रेवेन्यू देखना है, और फिर हमको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि जितना हमने कॉस्ट इनकर्ड किया है उतना उससे ज़्यादा हमको रेवेन्यू मिलेगा कि नहीं, तभी हमारे लिए क्लाइबल होगा, तभी हमारी एनपीवी पॉजिटिव होगी, तभी हमने इन्वेस्टमेंट करना है ठीक है। उसके बाद है स्किल एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन अकाउंट, तो हमारे अकाउंटेंट्स हमको क्या स्किल एक्सपेक्टेड है कि उसको ही मस्ट पुट द स्किल टू अंडरस्टैंड द सिस्टम डेवलपमेंट एफर्ट्स एंड नुएंस ऑफ द सेम। ही और सी इज एक्सपेक्टेड टू हैव वेरियस की स्किल इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, एक्सपर्ट बुक कीपर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एफर्ट्स। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा अकाउंटेंट ऑलराउंडर हो, ऐसे नहीं कि बस उसको अकाउंटेंट के फील्ड ऑफ में नॉलेज हो, उसको क्या बोलते हैं उसको सिस्टम डेवलपमेंट का भी कुछ नॉलेज हो, उसको ऑडिटिंग का भी डेवलपमेंट हो। तो मतलब हमारे हिसाब से जो अकाउंटेंट है वो काफ़ी स्किल प्रोसेस करना चाहिए ठीक है। तो ये था हमारा क्या अकाउंटेंट इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपमेंट वर्क। तो इसमें अकाउंटेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, आरओआई देखने का है, आरओआई में हम क्या देखेंगे, आरओआई देखने का है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ आईटी इंप्लीमेंटेशन देखेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया रहेगा, और क्या क्या स्किल एक्सपेक्टेड फॉर्म में अकाउंटेंट, और कॉस्ट आरओआई में हमको कॉस्ट देखना है, कॉस्ट में डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट एंड इंटेंजिबल कॉस्ट, और बेनिफिट में हमको उसके बाद हमको बेनिफिट देखना है, बेनिफिट में टेंजिबल इंटेंजिबल बेनिफिट्स दोनों, एंड फिर पोस्ट इंप्लीमेंटेशन एनालिसिस भी देखना है ठीक है। तो ये था हमारा अकाउंटेंट इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपमेंट वर्क। नाउ सिस्टम डेवलपमेंट मेथोलॉजीज। तो सिस्टम डेवलपमेंट मेथोलॉजीज इज़ अ बिग टॉपिक। इसमें पहले तो इंट्रोडक्शन दिया है सिस्टम डेवलपमेंट क्या, मेथोलॉजीज क्या होते हैं, उसके बाद उसके अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस सात अप्रोचेस हैं ये, वो वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंक्रीमेंटल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग, ये सब जो मॉडल्स है वो अभी हम पढ़ेंगे ठीक है। तो पहले सिस्टम डेवलपमेंट मेथोलॉजी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो मेथोलॉजीज के। पहले सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट मेथोलॉजीज किसको बोलते हैं। तो सिस्टम डेवलपमेंट मेथोलॉजीज एक फॉर्मलाइज्ड या स्टैंडर्डाइज्ड या वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कि यूज होते हैं इसलिए ताकि हम हमारे सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकें। तो ये कुछ नहीं है SDLC, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने वाटरफॉल में पढ़ा कि एक सिक्वेंस पढ़ा नहीं है बट अपने क्लास ली होगी, तो वो एक सीक्वेंस होता है उनका, तो एक स्टैंडर्डाइज वे होता है, एक फॉर्मलाइज वे होता है, उनको एक ही सीक्वेंस करके आगे बढ़ना है। तो वही अगेन वही वो पार्ट ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट मेथोलॉजी है ना, तो उस हिसाब से समझ लो कि एक फॉर्मलाइज स्टैंडर्डाइज और वेल ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है। मतलब अगेन डॉक्यूमेंटेड, हमारा SDLC भी डॉक्यूमेंटेड है, हमारा SDLC भी वेल ऑर्गेनाइज है, स्टैंडर्डाइज है, फॉर्मलाइज है ठीक है। ये वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कि हमको जो हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको मैनेज कर पाएँ। अगर आपको एक्टिविटीज़ नहीं बताया गया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको पहले क्या करना है, आपको पहले इन्वेस्टिगेशन करना है कि आपको पहले टेस्ट करना है कि आपको पहले डिज़ाइन करना है कि आपको पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस देखना है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ बनाएं ताकि हमारे हम मैनेज कर सकें इस सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ठीक है। इट रिफर्स टू द फ्रेमवर्क दैट इज़ यूज टू स्ट्रक्चर प्लान एंड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इन्फॉर्मेशन। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हमारे प्लानिंग भी हो जाती है, उसके साथ साथ हम कंट्रोल भी कर लेते हैं, उसके साथ साथ हमारी रिव्यू भी हो जाती है कि हमने सब किया है कि नहीं ठीक है। ईच ऑफ द अवेलेबल मेथोलॉजीज इज बेस्ट सुटेड टू स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन वेरियस टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट एंड टीम कंसिडरेशन। द मेथोलॉजीज कैरेक्टर्स बाय द फॉलोइंग। तो मेथोलॉजी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फर्स्ट है उसका कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट है कि प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ आइडेंटिफाइबल प्रोसेसेस एंड ईच प्रोसेस हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो क्या है, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम कुछ आइडेंटिफाइड प्रोसेस में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने SDLC में किया कि पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन डिज़ाइन वगैरह सब होगा, क्योंकि हमने इसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इससे क्या होता है, इससे जो मैनेजेबल हो जाएंगे सारे स्टेप्स मैनेजेबल हो जाएंगे, हमको में आ जाएगा कि हमको कैसे कैसे करना है। अगर हमको आप कोई ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होगा, कोई स्टेप्स नहीं होगा, कोई छोटे प्रोसेस नहीं होंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा काम करना है। बट अगर आप उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में कर देंगे तो उसको आपको लगेगा कि हाँ, प्रोजेक्ट प्लानिंग आपका करना, कंट्रोल करना, एग्जीक्यूट करना आपके लिए ईजी हो जाएगा ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज कि प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ आइडेंटिफाइबल प्रोसेसेस एंड ईच प्रोसेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसका एक एंडिंग पॉइंट होता है ठीक है।
सेकंड है स्पेसिफिक रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन कॉल्ड डिलीवरेबल्स मस्ट बी प्रोड्यूस पीरियोडिकली ड्यूरिंग सिस्टम डेवलपमेंट टू मेक डेवलपमेंट पर्सनल अकाउंटेबल फॉर फेथफुल एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट टास्क। तो जो भी पीरियोडिकली हमारे सिस्टम हो रहे हैं, जो भी हमारे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसको अगर हम स्पेसिफिक रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसको हम बोलेंगे डिलीवरेबल्स। अगर वो हम प्रोड्यूस करते जाएंगे पीरियोडिकली, तो ताकि जो भी रिपोर्ट्स हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको हम बोलेंगे डिलीवरेबल्स। अगर हम उसको टाइम पे टाइम प्रोड्यूस करते जाएंगे, जब भी सिस्टम डेवलप हो रहा है और हम अगर उसको प्रोड्यूस करते जाएंगे कि हमने कितना काम किया है, अब हमने जो फर्स्ट फेज किया उसका क्या रिपोर्ट है, फिर हम जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, अगर हम ये सब करेंगे तो क्या होगा, इससे जो डेवलपमेंट पर्सनल हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, वो अकाउंटेबल होगा कि हाँ उन लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उन लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, अपने को वो भी पता चल जाएगा। इट मेक्स डेवलपमेंट पर्सनल अकाउंटेबल फॉर फेथफुल एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट टास्क। तो हमको क्या करना है, हमको स्पेसिफिक रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना है पीरियोडिकली ड्यूरिंग सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद है यूजर्स, मैनेजर एंड ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोजेक्ट। तो हमको यूज़र जो वो सिस्टम का जो सिस्टम यूज़ करेंगे डे टू डे लाइफ में, प्लस मैनेजर्स जो मैनेज करेगा एंड जो ऑडिटर, वो तीनों का पार्टिसिपेशन इस प्रोजेक्ट बनाने में जरूरी है। क्योंकि देखो मैनेजर अप्रूवल्स देगा, ऑडिटर बताएगा कि ये हमारे लिए लायबल है कि नहीं, हम इतना एफर्ट कर सकते हैं कि नहीं, ऑडिटर फाइनेंशियल में हमको ज्ञान दे देगा, यूज़र्स का क्या दिक्कत है वो बताएंगे, मैनेजर्स को अप्रूवल्स देगा एंड ऑडिटर हमको चाहिए। तो इसलिए यूज़र, मैनेजर, ऑडिटर तीनों रिक्वायर्ड है टू पार्टिसिपेट इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। फोर्थ है द सिस्टम मस्ट बी टेस्टेड थॉरली प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन टू एंश्योर दैट इट मीट्स यूज़र नीड एज वेल एज रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज़। तो उसके बाद जो हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उससे पहले भी एक बार हम लोग टेस्ट कर लेंगे कि मतलब हम एक ड्राफ्ट बना के हम पहले हमारे कंपनी में दे देंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे कि देखो तुमने जो यूज़र्स ने जो नीड्स बताया था और जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज़ थी, मतलब जो हमारे प्रेजेंट सिस्टम में जो दिक्कत था और जो हमारी स्कोप थी नई सिस्टम के को लेके, वो सब हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो एक प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन हमको एक टेस्ट करना है ताकि हम इंश्योर हो पाए कि यूज़र्स के नीड्स फॉलो हुए हैं कि नहीं और जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज़ थी वो सब है कि नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद है अ ट्रेनिंग प्लान इज़ डेवलप फॉर दोज हु विल ऑपरेट एंड यूज़ द न्यू सिस्टम। अब सिस्टम बन गया, अब सिस्टम को जो यूज़ करेगा और जो ऑपरेट करेगा उसको हमको ट्रेन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले एक ट्रेनिंग प्लान बनाएंगे ताकि जो ऑपरेट करेंगे और जो यूज़ करेंगे वो अच्छे से कर सकें, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मल प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स आर एस्टेब्लिश टू प्रिक्लूड अनऑथोराइज चेंजेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम चेंज, जैसे सपोज जो डेवलपर ने जो कंट्रोल्स डाले हैं उसको थोड़ा चेंज करें ताकि अनऑथोराइज चेंजेस वो नहीं कर पाए हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में आप लोग खोलते हो अकाउंट, तो उसमें आईडी पासवर्ड रहता है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। तो अगर आप वही ऑनलाइन बैंकिंग वही पासवर्ड आईडी रखते हैं तो दैट वुड वो उतना रिस्की रहता है ना थोड़ा, क्योंकि वो आपके बैंक मैनेजर को भी उसको आईडी पासवर्ड पता है, तो उन लोग ही बोल देते हैं, उन लोग ही सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चेंज कर दो अपना आईडी पासवर्ड, अभी पैक लिए है पर चेंज कर दो। तो वही है कि हमको हमारे कंट्रोल्स चेंज करना है ताकि अनऑथोराइज चेंजेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम ऑन ना हो, ठीक है। फिर अ पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू ऑफ ऑल डेवलप सिस्टम मस्ट बी परफॉर्म टू एसेस द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द न्यू सिस्टम एंड द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, फिर हमको पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू करना है सारे डेवलप सिस्टम का, ताकि हमको देखना है कि वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हुआ है कि नहीं, और डेवलपमेंट प्रोसेस न्यू सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इतना ही था, तो एक बार हम इसका समराइज़ करेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट को हम नंबर ऑफ आइडेंटिफाइबल प्रोसेस में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमको हमारा ये स्टेप स्मॉल हो जाता है और मैनेजेबल हो जाता है, हम प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोजेक्ट कंट्रोल आराम से कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि जो स्पेसिफिक रिपोर्ट्स है, अदर डॉक्यूमेंटेशन है, कॉल डिलीवरेबल्स, उसको हमको पीरियोडिकली सबमिट करना पड़ता है सिस्टम डेवलपमेंट के टाइम पे, ताकि जो डेवलपमेंट पर्सनल है वो अकाउंटेबल रहे फॉर फेथफुल एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। फिर है यूज़र, मैनेजर और ऑडिटर, तीनों का पार्टिसिपेशन रिक्वायर होता है। फोर्थ है कि बिफोर इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करना है कि ये सारे यूजर्स के नीड एज वेल एज रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज़ फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद ट्रेनिंग प्लान और डेवलप करना है फॉर दोज हु विल ऑपरेट एंड यूज़ द न्यू सिस्टम। फिर हमको फॉर्मल प्रोग्राम चेंज करना है कंट्रोल्स, फॉर्मल प्रोग्राम चेंज कंट्रोल आर एस्टेब्लिश टू प्रिक्लूड अनऑथराइज चेंजेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम। इसके बाद एक पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू भी करना है, ठीक है। तो ये था हमारा
सिस्टम डेवलपमेंट मेथोलॉजी का। फिर ये सिस्टम डेवलपमेंट मेथोलॉजी के कुछ अप्रोचेस हैं, वाटरफॉल और वो प्रोटोटाइपिंग और स्पाइरल वगैरह। तो हम स्टार्ट करते हैं वाटरफॉल मॉडल में। इसको हम लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, लीनियर सिक्वेंशियल मतलब या तो लीनियर फैशन और लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल। ये सब क्वेश्चंस एमसीक्यू में आ सकते हैं। द वाटरफॉल अप्रोच इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच इन विच ईच फेजेस इज कैरियर इन सिक्वेंस और लीनियर फैशन। तो इसमें सारे जो ईच फेजेस हैं या तो वो सिक्वेंस में होते हैं और लीनियर फैशन में होते हैं। दिस फेज इंक्लूड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट, कोडिंग, फाइनल टेस्टिंग एंड रिलीज। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट एनालिसिस देखना है, फिर स्पेसिफिकेशंस एंड डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए हमको वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और डिज़ाइन रिक्वायरमेंट कैसा डिज़ाइन चाहिए, फिर उसमें हम कोडिंग करेंगे, फिर फाइनल टेस्टिंग करेंगे एंड फिर रिलीज करेंगे। ठीक है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। इट इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ परफॉर्मेंस सिक्वेंस 15.5.41। तो इसमें ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल डेवलपमेंट अप्रोच है, वही बोला है कि सिक्वेंशियल या लीनियर फैशन में रहते हैं। इससे एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट, कोडिंग, फाइनल टेस्टिंग एंड रिलीज होते हैं। ठीक है, आप एग्जाम में छोटा सा ये डायग्राम भी बना सकते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, फिर एनालिसिस रिक्वायरमेंट है, फिर डिज़ाइन है, फिर डेवलपमेंट है, फिर सिस्टम टेस्टिंग है और फिर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, बस एक चीज़ नहीं है इसमें से, हमने सिस्टम एक्विजिशन SDLC में सब सेम रहते हैं, बस एक हम सिस्टम डिज़ाइन से पहले हम सिस्टम एक्वायर करते हैं फिर डेवलप करते हैं, तो वो बस सिस्टम एक्विजिशन का स्टेप इसमें नहीं है। ठीक है, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस भी करेंगे। उसके बाद आप ये डायग्राम छोटा सा बना सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स है इस मॉडल का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट कम्युनिटी इन बिग वे। सम ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज। तो क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका? प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इंटू सिक्वेंशियल फेजेस विद सम ओवरलैप एंड स्प्लैशबैक एक्सेप्टेबल बिटवीन फेजेस। तो ये सिक्वेंशियल फेजेस में, अगेन हमने पहले भी पढ़ा था कि सिक्वेंशियल फेजेस में आने से हमारे क्या बेनिफिट हो रहा है, ये हमने पढ़ा था कि हमको क्या बोलते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करने से हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट कंट्रोल अच्छा हो जाएगा। तो वही है कि सिक्वेंशियल फेजेस में है और विद सम ओवरलैप्स एंड स्प्लैशबैक एक्सेप्टेबल, मतलब इसमें ओवरलैप नहीं होता है, कोई बहुत रेयर ओवरलैप होता है, कब थोड़ा ही ओवरलैप और स्प्लैशबैक होता है बिटवीन फेजेस। ठीक है, सेकंड है एम्फेसिस इज ऑन प्लानिंग, टाइम शेड्यूल, टारगेट डेट्स, बजट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एंटायर सिस्टम एट वन टाइम। तो इसमें हमारा मेन फोकस किस में है कि हम कैसे प्लान करेंगे, कितना टाइम शेड्यूल में हो जाना चाहिए, टारगेट डेट्स अचीव करना चाहिए, बजट हमारा उतना ही है उतना अचीव करना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटायर सिस्टम एट वन टाइम। ठीक है, इसमें एम्फोसिस करता है क्या, प्लानिंग को, टाइम शेड्यूल को, टारगेट डेट्स को, बजट को, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एंटायर सिस्टम एट वन टाइम। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। और है फिर एक टाइट कंट्रोल इज मेंटेन ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू द यूज़ ऑफ एक्सटेंसिव रिटन डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज थ्रू फॉर्मल रिव्यूज एंड अप्रूवल साइन ऑफ बाई द यूजर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ऑकरिंग एट द एंड ऑफ मोस्ट फेजेस बिफोर बिगिनिंग द नेक्स्ट फेजेस। तो हमको टाइट कंट्रोल मेंटेन करना है, कैसे कि हम टोटल SDLC इज ए डॉक्यूमेंट ड्रिवन प्रोसेस, तो इसमें भी हमको एक्सटेंसिव रिटन डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है कि कौन कौन स्टेजेस में क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या अच्छा है इस सिस्टम का, कैसे हुआ है, सब हमको डॉक्यूमेंटली कम्युनिकेट करना है और फॉर्मल रिव्यू भी करना है उसके साथ साथ, और अप्रूवल साइन ऑफ बाय द यूज़र्स भी लेना है और एट द एंड ऑफ मोस्ट फेजेस बिफोर बिगिनिंग द नेक्स्ट फेजेस। तो मतलब जैसे हमने एक फेज किया तो हम उसका फिर यूज़र्स का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो है या फिर ऑडिटर जो है, तीनों का हमको अप्रूवल लेना है कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि तुम्हारे रिक्वेस्टेड फंक्शनैलिटीज़ के हिसाब से है कि नहीं। ठीक है, एट द एंड ऑफ मोस्ट फेजेस बिफोर बिगिनिंग द नेक्स्ट फेजेस, पहले हमको उस सारे जो एंड ऑफ द फेजेस है उसका रिव्यू लेना है, उसका अप्रूवल लेना है। ठीक है, इसलिए हमको टाइट कंट्रोल मेंटेन करना है एक्सटेंसिव रिटन डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ। ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये सब एग्ज़ाम में बहुत आते हैं कि ये मॉडल डिस्क्राइब करो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, उसका स्ट्रेंथ लिखो, उसका वीकनेस लिखो। तो द फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द वाटरफॉल मॉडल हैज इट क्वाइट पॉपुलर एंड हैंडी अमंग द फैटर्निटी। तो ये क्यों पॉपुलर है, क्योंकि इसके एडवांटेजेस ये हैं। इट इज़ आइडल फॉर सपोर्टिंग लेस एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट टीम एंड प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट टीम हुज कंपोजिशन फ्लक्चुएट्स। तो जो लेस एक्सपीरियंस टीम्स है, जो नई टीम है या लेस एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट टीम है, तो उनके लिए अच्छा है क्योंकि ये पूरा सिक्वेंशियल डिफाइन कर दे रहा है, वो सिक्वेंशियल वाइज ही हमको जाना है। ठीक है, लेस एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उनके लिए आइडल रहेगा,
आइडल रहेगा, ठीक है। फिर है द ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेप एंड डिजाइन रिव्यू हेल्प टू एंश्योर द क्वालिटी रिलायबिलिटी एडुकेसी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। तो ये क्योंकि ये ऑर्डरली सीक्वेंस में है, डेवलपमेंट कैसे हम करेंगे ऑर्डरली सीक्वेंस में है, इसलिए क्या होता है, इसलिए हमको ये क्या बोलते हैं हेल्प करता है क्या करने के लिए कि अच्छा क्वालिटी मेंटेन हो, रिलायबल हो, एडिक्वेट हो, मेंटेन कर पाएँ, क्योंकि ये सीक्वेंस हमको आपको पूरा बता दे रहा है कि कैसे कैसे करना है, राइट, आपको पूरा गाइड कर रही है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो इससे कि आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी क्वालिटी अच्छी होने वाली है, आपकी मेंटेनेंस आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि सारे प्रोसेस डॉक्यूमेंट रहते हैं और सब अप्रूव रहते हैं, आप मेंटेन आराम से कर पाओगे, रिलायबल रहते हैं, एडिक्वेट रहते हैं, ठीक है। क्यों एडिक्वेट क्यों रहते हैं, क्योंकि हम हर फेजेस में जाके अप्रूवल लेते हैं कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं, ठीक है। फिर है प्रोग्राम ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट इज़ मेजरेबल, सॉरी प्रोग्रेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट इज़ मेजरेबल, अगेन हम मेजर कर सकते हैं कि तुम कहाँ तक पहुँचे, किस फेज में हो, क्या तुमने डिज़ाइन कर लिया, क्या डिज़ाइन करने के बाद तुमने कोडिंग करके डेवलप कर लिया, क्या डेवलप तक हो तुम, टेस्टिंग कब करने वाले हो, तो हमको पूरा प्रोग्रेस का लॉग मेंटेन होता है, ठीक है। उसके बाद इट एनेबल्स टू कंजर्व रिसोर्सेज, इसके साथ साथ हम रिसोर्स भी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये पूरा हमको गाइड कर रहा है थ्रू आउट, तो हमको कहीं भी हमको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, हम कहीं भी जाके फंसेंगे नहीं, हम कोई भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, जैसे जैसे हमको हमारा सीक्वेंस बोलता जाएगा हम वैसे वैसे सब काम करते जाएंगे, एंड एट द एंड हमारा एक सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यही है कि लेक्स एक्सपीरियंस के लिए ये ईजी हो जाता है, ऑर्डरली सिक्वेंस बोल के रिलायबिलिटी क्वालिटी देख सकते हैं, फिर मेजरेबल है और रिसोर्स का। तो हमारा वाटरफॉल मॉडल हुआ, अब जो इसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो हम एक काम करेंगे, बाद में टाइम होगा तो आपको बता दूंगी, बट क्योंकि अगर आप खाली मॉडल समझ आएंगे तो स्ट्रेंथ और वीकनेस सब आपका खुद से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी टाइम बहुत ही कमी है, दैट्स व्हाई मैं खाली मॉडल समझा देती हूँ। आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी उसमें मैं वीकनेस एंड स्ट्रेंथ भी कवर कर लूँगी, ठीक है। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में जो मार्क किया वो पढ़ते हैं, द गोल ऑफ प्रोटोटाइपिंग अप्रोच इज टू डेवलप अ स्मॉल पायलट वर्जन कॉल्ड प्रोटोटाइप ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ अ सिस्टम। तो जो प्रोटोटाइपिंग अप्रोच में क्या होता है, मैं एक बार खाली बेसिक बता देते हैं फिर हम वर्डिंग्स में जाएंगे। प्रोटोटाइपिंग मॉडल में क्या होता है, जितने हमको पार्ट्स दिए रहते हैं, सबसे पहले हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर हम डिज़ाइन करते हैं, इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस करते हैं, उसको हम पार्ट बाय पार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, फिर हम उसको रख लेते हैं, उसमें फिर हम क्या करते हैं, हम कस्टमर को बोलते हैं, जो हमारे यूज़र हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, हमारे जो क्लाइंट हैं, जो यूज़र हैं इस सिस्टम के, उनको बोलते हैं कि तुम बताओ, इवेल्युएट करो, तुम इसको थोड़ा यूज़ करके देखो, तुमको ये हमारा जो हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया तुमको, अब तुम उसको इवेल्युएट करो कि वो तुम्हारे नीड के हिसाब से है कि नहीं। अगर कस्टमर ग्रीन सिग्नल देगा तो हम डिज़ाइन करेंगे, अब डिज़ाइन करके हम कस्टमर को दे देंगे, तो तुम अब देखो तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तुम्हारी फंक्शनलिटीज़ के हिसाब से, तुम्हारे नीड के हिसाब से वो डिज़ाइन हुआ है कि नहीं, ठीक है। फिर वो अगेन फीडबैक देगा, देन हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन हम बोलेंगे कि तुम थोड़ा यूज़ करके देखो तुमको ठीक लग रहा है कि नहीं, क्या चेंजेस है, हम तुरंत चेंजेस करेंगे। मतलब ये बोल रहा है कि एक बार सिस्टम नहीं डेवलप कर, पूरे एक बार में सिस्टम नहीं बना के पार्ट बाय पार्ट करना है, और हर पार्ट में, हर एक प्रोटोटाइप में हमको कस्टमर का इवैल्यूएशन लेना है, ठीक है। तो अब हम वर्ड्स में जाते हैं, द गोल ऑफ प्रोटोटाइपिंग अप्रोच इज टू डेवलप अ स्मॉल और पायलट वर्जन कॉल अ प्रोटोटाइप ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ अ सिस्टम। सारे सिस्टम का या एक पार्ट ऑफ सिस्टम का स्मॉल या पायलट वर्जन क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। अ प्रोटोटाइप इज अ यूजेबल सिस्टम और सिस्टम कंपोनेंट दैट इज बिल्ड क्विकली एट अ लेसर कॉस्ट एंड विद द इंटेंशन ऑफ मॉडिफाइंग, रिप्लिकेटिंग, एक्सपेंडिंग और इवन रिप्लेसिंग इट बाय अ फुल स्केल एंड फुल्ली ऑपरेशनल सिस्टम। तो हम इसको क्या करते हैं, हम ना इस कंपोनेंट को जल्दी से बना लेते हैं और बहुत लेसर कॉस्ट में बना लेते हैं, ताकि उसका इंटेंशन हमारा इसका क्या है कि हम ऐसे बनाते हैं, मतलब हम फुल प्रूफ काम नहीं करते, हम फाइनल काम नहीं करते, फिनिशिंग टच बाकी रहता है, बट हम एक ऐसा क्विकली एक ऐसा कंपोनेंट बना लेते हैं लेसर कॉस्ट में, जिसका इंटेंशन क्या है कि अगर हमको दिक्कत होगा तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रिप्लीकेट कर सकते हैं, या फिर अगर यूज़र बोले कि एक्सपेंड करना है हम एक्सपेंड कर ले, या इवन रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। हमारा इंटेंशन ही इसको कंपोनेंट को इसलिए बनाना है ताकि हम इसको मॉडिफाई कर सकें, रेप्लीकेट कर सकें, एक्सपेंड कर सकें, या इवन रिप्लेस कर सकें बाय अ फुल स्केल एंड फुल्ली ऑपरेशनल सिस्टम को, ठीक है। एज यूजर वर्क विद द प्रोटोटाइप, जब यूजर्स को उस प्रोटोटाइप से वर्क करता है, दे लर्न अबाउट द सिस्टम क्रिटिकलिटीज एंड मेक सजेशन अबाउट द वे टू मैनेज इट। तो जैसे मैंने कहा कि वो इवेल्युएट करेगा, तो वो जो प्रोटोटाइप बनाएगा लेसर कॉस्ट में क्विकली जो बनाएगा, तो जब यूजर उस प्रोटोटाइप से जब काम करेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या दिक्कत है, क्या क्रिटिकल चीज़ है, और वो फिर उसको सजेस्ट करेगा कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए,
एंड फिर उसको हम मैनेज करेंगे, ठीक है। दिस सजेशंस आर देन इनकॉर्पोरेटेड टू इम्प्रूव द प्रोटोटाइप। फ्री सजेशन को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं एंड हमारे प्रोटोटाइप को इम्प्रूव करते हैं, विच इज़ ऑल्सो यूज एंड इवेलुएटेड। फाइनली व्हेन अ प्रोटोटाइप इज डेवलप्ड दैट सेटिस्फाई ऑल यूजर रिक्वायरमेंट, आइदर इट इज रिफाइंड एंड टर्न इनटू फाइनल सिस्टम और इट इज़ स्क्रैप। तो जब पूरे प्रोटोटाइप बन जाते हैं और सारे, जब ऐसा हो जाता है कि सारे जो यूजर्स हैं वो अपने रिक्वायरमेंट से सेटिस्फाई करते हैं, तो हम या तो हम उसको पूरा रिफाइन कर देते हैं, ठीक है, और उसको एक फाइनल सिस्टम में बनाते हैं, और या फिर हम इसको स्क्रैप कर देते हैं अगर इफ़ इट इज़ स्क्रैप द नॉलेज, या तो अगर किसी को पसंद नहीं आया तो हम इसको स्क्रैप कर देते हैं। इफ़ इट इज़ स्क्रैप द नॉलेज गेन फ्रॉम बिल्डिंग द प्रोटोटाइप इज़ यूज टू डेवलप द रियल सिस्टम, ठीक है। नहीं, ये ऐसा, अच्छा ये ऐसा बोल रहा है कि देखो जब हम क्या करते हैं, अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हम कस्टमर हमको सेटिस्फाई किया, कस्टमर हमको ग्रीन सिग्नल दिया कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, तो अब क्या होगा, या तो हम उसको उसी को लेके थोड़ा एक्सपेंड करके थोड़ा मॉडिफाई करके एक फाइनल सिस्टम बना लेते हैं, या फिर हम उसको पूरा स्क्रैप कर देते हैं। हम स्क्रैप क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये ट्रायल वर्जन में बनाए थे, अब हम पूरा स्क्रैप कर देंगे और हम एक नए पूरे सारे सजेशन को इनकॉर्पोरेट करके एक नया रियल टाइम रियल सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो या आइदर हम इसको फाइनल सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे या स्क्रैप कर देंगे। अगर स्क्रैप करें तो जो नॉलेज गेन हुआ है हमको, तो उसको हम यूज़ करेंगे एक रियल सिस्टम बनाने में, ठीक है। तो प्रोटोटाइपिंग कैन बी व्यूड एज अ सीरीज ऑफ फोर स्टेप्स। इसमें फोर स्टेप्स हैं, सिम्बिकली डिपिक्टेड इन फिगर। ये ऐसे फोर स्टेप है हमको यहाँ पे बताया है, तो इसमें क्या क्या स्टेप्स से देखते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट, मतलब हमको पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। फिर हमको डेवलप करना है इनिशियल प्रोटोटाइप। सबसे पहले इनिशियल प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे, फिर हम उसको टेस्ट और रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम यूज़र से अप्रूवल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे चार टाइप के हैं। तो फर्स्ट में इनिशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, द सिस्टम रिक्वायरमेंट आर टू बी आइडेंटिफाइड बिफोर द डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट। तो सबसे पहले जब हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो हम रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करेंगे, जो कि हर स्टेप में हम करते हैं। हाउएवर अंडर प्रोटोटाइप अप्रोच द डिजाइन टीम नीड ओनली फंडामेंटल सिस्टम रिक्वायरमेंट टू बिल्ड द इनिशियल प्रोटोटाइप। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग दैट कैन बी लेस फॉर्मल एंड टाइम कंज्यूमिंग दैट व्हेन परफॉर्मिंग ट्रेडिशनल सिस्टम एनालिसिस। तो इसमें क्या है, इसमें हम एकदम डिटेलली रिक्वायरमेंट को एनालिसिस नहीं करेंगे, इसमें हम खाली एक फंडामेंटल अप्रोच ले लेंगे कि खाली फंडामेंटल सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो करेंगे, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन एनफ होगा इनिशियल प्रोटोटाइप। हम फंडामेंटल सिस्टम रिक्वायरमेंट लेंगे जो कि एनफ होगा टू बिल्ड द इनिशियल प्रोटोटाइप, ठीक है, जो कि थोड़ा लेस फॉर्मल होगा और लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा वेल परफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल सिस्टम एनालिसिस, ठीक है। तो हम एक फंडामेंटल सिस्टम रिक्वायरमेंट ले लेंगे जिससे कि हम इनिशियल प्रोटोटाइप बना सकें जो कि लेस फॉर्मल और लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। उसके बाद हम डेवलप करेंगे इनिशियल प्रोटोटाइप को। द डिजाइनर क्रिएट एन इनिशियल बेस मॉडल एंड गिव लिटिल और नो कंसिडरेशन टू इंटरनल कंट्रोल बट इंस्टेड एम्फोसिस सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईजी टू यूज। दिस कैरेक्टरिस्टिक एनेबल यूजर टू इंटरेक्ट विद इनोवेटिव वर्जन ऑफ डेटा एंट्री डिस्प्ले स्क्रीन menus, input prompts and source document. The user also need to be able to respond and to system prompt, make inquiries to the information system, judge response time of the system and issue command. तो इसमें क्या होता है, इसमें वो initial prototype develop करता है। क्या develop करता है, वो जो initial base model बनाते हैं उसमें ना वो इंटरनल कंट्रोल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, ठीक है। उसमें वो या तो एकदम कम कंसिडरेशन देता है या फिर कंसिडरेशन देता है, इंटरनल कंट्रोल में तो वो ध्यान ही नहीं देता है। वो उसका जो मेन फोकस है, वो इनिशियल प्रोटोटाइप बनाने का उसका फोकस क्या है कि वो ये देखें कि कैसे वो सिस्टम को सिंप्लिसिटी कर सकें, फ्लेक्सिबिलिटी कर सकें और इजी टू यूज़ कर सकें, ठीक है। उसमें वो एनेबल करता है कि यूज़र कैसे उसको अच्छे वे में इंटरेक्ट कर सकें, मतलब कैसे उनको डिस्प्ले स्क्रीन, उनको कैसा यूज़र को कैसा डिस्प्ले स्क्रीन चाहिए, कैसा मेन्यू, कैसा इनपुट प्रॉम्प्ट। तो पहले सोर्स डॉक्यूमेंट, हम पहले ये सब चीज़ में फोकस करते हैं, फिर अगर ये सब चीज़ होगा तो बाद में हम इनपुट कंट्रोल डाल देंगे, पर हम पहले यूज़र से हम ये जानना चाहेंगे कि उनको ये सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है कि नहीं, उनको ये हम यूज़र से इवेल्युएट करेंगे क्या यूज़र हमारा जो हमने जो डिस्प्ले स्क्रीन डाला है, जो हमने मेन्यूज़ डाला है, जो हमने सोर्स डॉक्यूमेंट जहाँ कहाँ से आएगा, इनपुट कैसे डालेंगे। सपोज़ हम एक वेबसाइट बना रहे हैं तो हमने वेबसाइट में कैसे डिस्प्ले किया, मेन्यू में क्या क्या आएगा, कि सपोज़ जैसे ICI का वेबसाइट है तो उसके मेन्यू में क्या क्या है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मेम्बर्स हैं, ये सब है ना। तो वही है कि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोस डालने की एक वेबसाइट बनाई है, तो मेरे में क्या क्या आएगा, अगर मैं और भी सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रही हूँ तो क्या क्या, खाली इसका पहले इसका आएगा, फिर ऑडिट आएगा, फिर लॉ आएगा। तो जैसे इसका मैं क्या क्या आएगा, इसका मैं आएगा कि फर्स्ट
प्रैक्टिस मैनुअल के मैं डाल रही हूँ, फिर स्टडी मटेरियल के डाल रही हूँ, फिर मैं निमोनिक्स के वीडियो डाल रही हूँ, फिर मैं रिविज़न के अगर डालूंगी तो वैसे ही वो सब मेन्यूज़ हैं। फिर इनपुट प्रॉम्प्ट्स की अगर आपको मेरे ये वीडियोज़ देखने हैं तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा, आपको एक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा मेरे वीडियोज़ एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या इनपुट डालना पड़ेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब तो जो इनिशियल प्रोटोटाइप होगा वो इसमें ज़्यादा फोकस करेगा, ठीक है। द यूज़र ऑल्सो नीड टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू सिस्टम प्रॉम्प्ट, मेक इंक्वायरी टू द इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और यूज़र भी रिस्पॉन्ड कर सकें कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या इंक्वायरी, वो उसको जो इंक्वायरीज लेना है वो कर सकें, वो रिस्पॉन्स टाइम जज कर सकें, मतलब वो उस वो प्रोटोटाइप इनिशियल प्रोटोटाइप में काम करके उसको सब पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वेरीज आ रही हैं, क्या क्या रिस्पॉन्स टाइम हो रहा है जज कर सकें, एंड क्या क्या इशू है, क्या क्या कमांड है, तो वो सब जज कर सकें, ठीक है। तो हम इसीलिए इनिशियल कंट्रोल पर इंटरनल कंट्रोल पर ज़्यादा कंसिड्रेशन नहीं देंगे, ये सब पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम टेस्ट और रिवाइज करेंगे। तो जब हमारा इनिशियल प्रोटोटाइप फिनिश हो जाएगा तो डिज़ाइनर फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट द मॉडल टू यूज़र एंड देन गिव इट टू देम टू एक्सपेरिमेंट एंड आस्क यूज़र टू रिकॉर्ड देयर लाइक्स। तो हमने इनिशियल प्रोटोटाइप बना लिया। अब हम इनिशियल प्रोटोटाइप बनाने के बाद हम क्या बोलेंगे, हम यूज़र को देंगे, यूज़र उसमें टेस्ट करेगा, उसमें अपने काम करेगा, ठीक है। अब उसमें वो करेगा और हम उसको बोलेंगे, अब उसमें वो एक्सपेरिमेंट करेगा और हम यूज़र को बोलेंगे कि रिकॉर्ड करो कि तुमको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया अबाउट द सिस्टम, एंड रिकमेंड चेंजेस, और तुमको क्या चेंजेस चाहिए वो तुम रिकमेंड करो। और यूजिंग दिस फीडबैक, फिर उस फीडबैक और उस फीडबैक को यूज़ करके हम उस फीडबैक के हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे। अगर कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड हम मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो उस तरह से हम टेस्ट करेंगे और रिवाइज़ करेंगे। हम बोलेंगे यूज़र को भी टेस्ट करो और जो सजेशन हमको, तो फिर हम उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो यही बोला टेस्ट एंड रिवाइज। तो डिज़ाइन में देखो वही है, पहले इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करना है, फिर डिज़ाइन करना है, फिर इंप्लीमेंट करना है, मेंटेनेंस करना है, ठीक है। फिर यह फोर्थ कंपोनेंट है कि वी विल ऑब्टेन यूजर साइन ऑफ और द अप्रूव प्रोटोटाइप। यूजर फॉर्मली अप्रूव द फाइनल वर्जन ऑफ ए प्रोटोटाइप विच कमिट्स देम टू द करेंट डिज़ाइन एंड एस्टेब्लिश अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अबाउट व्हाट द सिस्टम विल एंड विल नॉट डू और प्रोवाइड। प्रोटोटाइपिंग इज नॉट कॉमनली यूज फॉर डेवलपिंग ट्रेडिशनल एप्लीकेशन सच एज अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, पेरोल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेर द इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आर वेल नोन एंड क्लियरली डिफाइंड। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि यूजर फिर अप्रूव करेगा, फॉर्मली अप्रूव करेगा कि उसको क्या फाइनल वर्जन, उसमें उसको फाइनल वर्जन में क्या क्या चाहिए हमारे प्रोटोटाइप के में, मतलब उसको उसको जो करंट डिज़ाइन है उसको कैसा लगा, और फिर वो अप्रूव करेगा जनरली। तो यूज़र फॉर्मली अप्रूव द फाइनल वर्जन ऑफ द प्रोटोटाइप विच कमिट्स देम टू द करंट डिज़ाइन एंड एस्टैब्लिश अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अबाउट व्हाट द सिस्टम विल एंड विल नॉट डू और प्रोवाइड। तो जैसे कि उनको एक पता चल जाएगा कि क्या सिस्टम करेगा और क्या नहीं करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जब अगर यूज़र को पसंद आया तो वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो जाएगा, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग इज नॉट कॉमनली यूज फॉर डेवलपिंग ट्रेडिशनल एप्लीकेशन सच एज, तो ये जो प्रोटोटाइपिंग है ना, ये हम कब यूज़ करते हैं, ये खाली एक जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन जैसे हम अकाउंट रिसीवेबल बनाना, पेबल बनाना, पेरोल सिस्टम बनाना, उसके लिए है कि जहाँ पे इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट वेल नोन एंड क्लियरली डिफाइंड है। अब देखो, अगर तुम्हारे इनपुट, तुम्हारे डेटा, तुम्हारे प्रोसेसिंग, तुम एक यूज़र हो, तुम क्लियरली डिफाइन कर पा रहे हो या फिर लोग उसको क्लियरली डिफाइन कर पा रहे हैं। सपोज हम एक पेरोल बना रहे हैं, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का हम सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें इनपुट क्लियरली डिफाइन है, आउटपुट क्लियरली डिफाइन है, प्रोसेसिंग क्लियरली डिफाइन है, मतलब हमको कि इशू हुआ है, कितना इन्वेंट्री इशू हुआ है, ठीक है, कितना बच गया वापस, ये सब क्या है, ये सब जो इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट है वो क्लियरली डिफाइन है, तो वो इस टाइम पे प्रोटोटाइपिंग यूज़ नहीं है। अगर क्लियरली डिफाइन है तो कस्टमर बार बार इवेल्यूएट क्या करेगा, ठीक है, वो तो क्लियरली डिफाइन है, जो वो बोलेंगे हम उसको डाल देंगे और कस्टमर को पसंद आ जाएगा। तो ये उस जगह पर ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पर ये सब चीज़ है ना, वो क्लियरली डिफाइन नहीं रहता है, ठीक है। तो ये चार फंक्शंस थे, सॉरी कंपोनेंट्स थे इसके, कि पहले हम सिस्टम रिक्वायरमेंट करेंगे, उसमें खाली फंडामेंटल सिस्टम रिक्वायरमेंट देखेंगे ताकि हम एक इनिशियल प्रोटोटाइप बना सकें। फिर हम डेवलप करेंगे इनिशियल प्रोटोटाइप को, उसमें हम इंटरनल कंट्रोल पर ज़्यादा फोकस नहीं करके हम उनके डिस्प्ले स्क्रीन को, उनके मेन्यूज़ को, इनको उनके सोर्स डॉक्यूमेंट को, उनके इनपुट को ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर हम टेस्ट एंड रिवाइज करेंगे, हम यूज़र को बोलेंगे टेस्ट करने के लिए, एंड देन दे विल शेयर्स व्हाट दे लाइक एंड व्हाट दे डिसलाइक अबाउट द सिस्टम, एंड देन फिर उसके बाद हम फाइन अप्रूव करेंगे यूज़र्स की फाइनल वर्जन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो आप ये सब डायग्राम भी बना सकते हैं ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, आई डोंट नो, तो आप बना सकते हैं।